हेलो बच्चों तो आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में है निक्लोफिलिक रिएक्शन के चैप्टर का नाम था हम लोग का हेलोल्केन हेलोडी इसमें लास्ट डे हमने क्या रखा था क्या कर रखा है हमने टाइप्स ऑफ निक्लोफिलिक्सन देख रखा है जिसमें हमने दो देखा था एस एन वन एस एन टू आज अगला टॉपिक है हम लोग का जिसका नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन सबसे पहले एलिमिनेशन रिएक्शन जो हैलोल्केन शो करता है उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन आपको पता होगा अगर आपने एलेवेंथ क्लास में रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा है तो आपको पता होगा टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन इसमें आपने पढ़ा होगा जब आप एलेवेंथ क्लास में रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़े होंगे तो चार टाइप का होता है हम लोग का सबसे पहला होता है हम लोग का E1, ई टू तीसरा है हम लोग का इसमें ई वन और चौथा है हम लोग का बाबू जिसको बोलते हैं ई आई तो चार टाइप का हम लोग को पढ़ना होता है रिएक्शन इसमें सबसे पहला है हम लोग का ई वन इलिमिनेशन ई टू इलिमिनेशन ई वन और ई आई लेकिन जो हम लोग का चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है हेलोल्केन हेलोडिन उसमें हेलोल्केन जो शो करता है ये रिएक्शन शो करता है ई टू ई टू इवन दोनों करता है लेकिन प्रॉपर एन सी आर टी में जो रिजेंट दिया है स्ट्रॉन्ग बेस अल्कोलिक एनवेच क्यूच के, के साथ वहाँ हेलोल्केन ई टू दिखाता है तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं कि किस टाइप का रिएक्शन हम लोग का होता है हेलोल्केन है तो हेलो अल्केन में एलिमिनेशन रिएक्शन कैसा है तो मैं आपको दिखाता हूँ एलिमिनेशन रिएक्शन सबसे पहले ये आपको देखना है कि हेलो अल्केन में क्या होगा आपका कार्बन हेलोजन बॉन्ड है ये एक प्रॉपर हेलो अल्केन है ये आपका एक लोल्केन है सबस्ट्रेट है हेलोल्केन को ही हम लोग कॉमन नेम में बोलते हैं क्या अल्काइल अल्काइट ठीक है तो जब हम लोग हेलोल्केन पे डालते क्या है, डालते हैं अल्कोहलिकवेच अल्कोहलिक क्यूच या अल्कोहलिक एनवेच के साथ ये हीटिंग करते हैं अल्कोलिक क्यूच एनवे स्ट्रॉन्ग बेस है स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे इलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है तो यहाँ पे क्या होता है आपका HX मॉलिकल इलुमिनेट होता है एच एक्स निकलेगा और इस कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है यहाँ बना लेता है पाई बॉन्ड और ये आपका बन जाता है क्या अल्कीन ठीक है अब यहाँ जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन में जो मैकेनिज्म होता है ये मैकेनिज्म शो करता है आपका रिएक्शन ई टू मैकेनिज्म E2 टू मैकेनिज्म तो सबसे पहले हम लोग को देखना है E2 टू होता है क्या है मैकेज देखने से पहले हम लोग कुछ बेसिक रिएक्शन देखते हैं यहां पे मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ जो अल्कि बनता है यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है अकॉर्डिंग टू सेठज प्रोडक्ट सेजब रूल या जब रूल बोलते हैं यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है अकॉर्डिंग टू सेट प्रोडक्ट बोलता है एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेते ले हैं सबसे पहले कि किस टाइप का रिएक्शन होता है जैसे ये मैंने लिया है क्लोरोब्यूटेन ये मैंने लिया है क्लोरोब्यूटेन जब इस पर मैं अगर डालूँगा अल्कोहलिक क्यूएच और हीट करूँगा तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनता है आपको तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा तो आप देखना आप सबसे पहले ये तो आपका हेलोजन है हेलोजन आपका यहाँ है तो इस कार्बन पे हेलोजन है और इसके एडजसेंट ये हाइड्रोजन है सेजब प्रोडक्ट क्या बोलता है वो अल्किन बनेगा जो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप हो ओवरऑल बात करना तो वो अल्किन बनेगा जो मोर स्टेबल हो अल्किन एस्टिलिटी देखने के लिए हम लोग क्या देखते हैं हाइपर कंजुगेशन तो हाइपर कंजुगेशन में क्या करते हैं अफाइज काउंट करते हैं तो वैसा अल्किन बनाना है जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ अल्काइल बॉन्ड हो जैसे आप देख सकते हैं मैं आपको दो एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ अगर आप यहाँ से एच एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ से एच यहाँ से सी तो ये आपका बनेगा बीव ठीक है देख रहा होगा कैमरा में और अगर आप अगर आप यहाँ से एच एलिमिनेट करते हैं तो बनेगा आपका बीव यहाँ दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे एक बनेगा ब्यूट वन इन एक बनेगा आपका ब्यूट ब्यूटू इन कैमरा में आ रहा है कि नहीं हाँ ठीक है इसमें आप देख सकते हैं कौन ज़्यादा स्टेबल अल्कन है तो आप देखिए यहाँ पे तीन तीन क्या है छः अल्फा एच है पहले वाले में सिक्स अल्फा एच है और दूसरे वाले में देख सकते हैं आप सिर्फ दो अल्फा एच है दूसरे वाले में कितना है दो अल्फा एच तो ये जो मोर स्टेबल अल्कन है वही आपका क्या है सेट्स जब प्रोडक्ट है और जो लेस स्टेबल अल्कीन बनता है उसको हम लोग हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं ओवरऑल मैं आपको समराइज करता हूँ मैंने क्या बताया है कि जब किसी हम लोग हेलो हेलोअल्कैन पे एल्कोली एल्कोली एच या एनएच के साथ हिटिंग करते हैं तो यहाँ पे आपका अल्कन बनता है यहाँ जो मेन प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं अकॉर्डिंग टू सैजफ प्रोडक्ट सहजप यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम है तो मेन प्रोडक्ट बनेगा सैजप प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ये जो आपका मतलब मेन बोर्ड एग्जाम में हम लोग को मेन प्रोडक्ट लिखना होता है लेकिन अगर आप जेई के एग्जाम में नीट के एग्जाम में बैठे हैं तो वहाँ पे आपको जितने पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे वो सब बताने होंगे तो यहाँ अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे बनेगा ब्यू टू टू इन और ब्यूट टू ए, वन इन ब्यूट टू इन जो है मेजर प्रोडक्ट है और ब्यू टू वन इन जो है आपका माइनर प्रोडक्ट है ठीक है जो मेजर प्रोडक्ट है उसको हम लोग सेजा प्रोडक्ट बोलते हैं जो माइनर प्रोडक्ट है उसको हम लोग हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और अच्छे से अगले पेज पर बताता हूँ फिर से बताता हूँ आपको जगह कम था जैसे जनरल फॉर्मेट जो है वो मैं फिर से लिखता हूँ ये है आपका हेलो एल्केन जब हम लोग हेलो एल्केन पे अल्कोलीवज डालते हैं हीट करते हैं तो नो डाउट अल्कीन बनता है यहाँ पे यहाँ तो दो टाइप का अलकिन बनेगा एक बनेगा मोर स्टेबल अलकिन और एक बनेगा क्या लेस स्टेबल अलकिन जो मोर स्टेबल अल्कन होगा उसी को हम लोग सेहजअप प्रोडक्ट बोलते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सेटज इस प्रोडक्ट बोलते हैं या इसी के अंग्रेजी में फ लिखा होता है ठीक है ये दोनों एनसीईआरटी में लिखा है सेटज प्रोडक्ट और ये जो लेसेबल अलगिन है इसको हम लोग बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं ठीक है एग्जाम्पल मैंने दिखाया था मैं फिर से एग्जाम्पल दिखाता हूं वही एग्जाम्पल ये आपका है क्लोरोब्यूटेन ये सेम एग्जाम्पल था जब आप टू क्लोरोब्यूटेन पे अल्कोली के, के साथ हिट करेंगे यहां दो प्रोडक्ट बनेगा इस कार्बन पे आपका हेलोजन है हैलोजन तो उसी कार्बन से एलिमिनेट हुआ एक ही पोजीशन है और जिस कार्बन पे हेलोजन है उसके एडजिस्टेंट में ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। तो अगर आप यहां से एच यहां से सीएल निकालते हैं तो आपका बनेगा ब्यूट अगर यहाँ से सी एल यहाँ से एच हट हैं तो आपका बनेगा क्या ब्यूट टू वन इन ठीक है आप देख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन पहचानने के लिए हम लोग हाइपर कंजूशन देखते हैं नंबर ऑफ अल्फा एच काउंट करते हैं तो आप देख सकते हैं सॉरी यहाँ तो थोड़ी गलती होगी यहाँ पे डबल बॉन्ड के बाद, बाद कंपाउंड होगा क्या होगा सी एच सी एच थ्री आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्फा एच कितने होंगे बाबू छ अल्फाएच है यहाँ पे कितने हैं दो अल्फा अल्फाएच पहले वाले में छः अल्फा एच है ये दो अल्फा एच है तो सिंपल बात है नंबर ऑफ अल्फा एच ज़्यादा होगा तो हाइपर कंज्यूशन ज़्यादा होगा तो सिक्स अल्फा एच है तो ये जो आपका कंपाउंड है ये मोर स्टेबल है ये मोर स्टेबल अल्किन है ये मोर स्टेबल है और मोर स्टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं सेटज ऑफ प्रोडक्ट और ये आपका लेस स्टेबल है ये से हम लोग क्या बोलेंगे आपका इसे हम लोग बोलेंगे हॉपमैन प्रोडक्ट ठीक है अब हम लोग देखते हैं यहाँ जो रिएक्शन होता है ये जो रिएक्शन यहाँ फॉलो होता है वो होता है आपका ई टू तो ई टू क्या है उसको हम लोग देखते हैं अगली पेज पे चलिए ये है हम लोग का हेलोल के ये है हम लोग का हेलोल के ठीक है जब इस पे हम लोग कोई स्ट्रोंग बेस डालते हैं बेस को जनरली हम लोग बी माइनस लिखते हैं जब कोई हम लोग अगर बेस डालते हैं हीट करेंगे तो क्या होगा जो बेस है आपका जो आपका बेस है वो एच प्लस को हाइड्रोजन जो है उसको एब्स्ट्रैक्ट करता है और नो no डाउट आप लोगों को पता होगा हेलोजन जो है बेस्ड लिविंग ग्रुप है वो तो निकलना चाह ही रहा है ई टू जैसे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्सिटेशन में पढ़े थे तो SN2 SN1 टू एस पढ़े थे न्यूक्लियोफिलिक सब्सिटेशन में दो पार्ट था SN1 SN2 SN2 में क्या होता था कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना और लिविंग ग्रुप का निकलना साथ होता था जहाँ पर बनता था ट्रांजिशन स्टेट और एस एन वन में क्या होता था हेलोल्किन का न्यूक्लियोफिलिक एस एन वन रिएक्शन में कि आपका कार्बोक सॉरी लिविंग ग्रुप निकलने के बाद पहले बनता था कावोटाइन कावोटाइन के बाद देन निक्लोफाइल टॉप से और बॉटम से अटैक करता था क्योंकि काव्वटाइन प्लेनर होता है प्लेनर होने के बाद निक्क्फाइल टॉप से बॉटम से दोनों से अटैक करेगा तो आप जस्ट रिलेट कर सकते हैं जैसा एस वन होता है लगभग वैसा ही ई वन होता है और जैसा ई टू होता है वैसा ही लगभग एस एन टू होता है मैं फिर से रिपीट करता हूँ एस एन टू में हम लोग क्या पढ़े थे कि पीछे से निक्लोफाइल अटैक करता है और लिविंग ग्रुप निकलता है मतलब एस एन टू में निक्लोफाइल का अटैक होना और लिविंग ग्रुप का निकलोफाइल का एडिशन और निक्लोफाइल का एलिमिनेशन एक साथ होता है ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं कि निक्लोफाइल जैसे जैसे ऐड हो रहा होता है लिविंग ग्रुप वैसे निकल रहा होता है और एस एन वन में क्या होता है एस एन वन में पहले लिविंग ग्रुप निकलता है कार्बोटाइन बनता है कार्बोटाइन बनने के बाद देन निक्लोफाइल अप्रोच करता है तो यहाँ पर जो हम लोग का ये ई टू मैग्निज्म है इसमें क्या करना चाह रहा हूँ मैं ई टू मैग्निज्म का मीनिंग होता है कि पहले ये बाई मोल्कुलर रिएक्शन है अगर हम लोग टर्म यूज करते हैं कि हम लोग ई टू पढ़ रहे हैं ई टू पढ़ रहे हैं इसका मतलब इसका ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स टू है मतलब ये आपका रिएक्शन जो है वो है बाईमुलर रिएक्शन ठीक है अब बाई रिएक्शन में क्या होता है कि पहले यहाँ पे एक, एक एंटी पेरी प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट बनता है यहाँ पे आपका जो बनता है बनता है एंटी पेरी प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट अब ये नाम आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा क्योंकि हम लोग एस एन टू में पढ़े थे टर्म जहाँ पे बनता था ट्रांजिशन स्टेट और यहाँ भी एक टर्म यूज हो रहा है ट्रांजिशन स्टेट लेकिन बस कैसा एंटी पेरी इसका मीनिंग क्या होता है तो यहाँ पे बेस जो है एच प्लस एफस्टेट करेगा और हेलोजन तो आप आपको जान, जानते ही निकलने वाला है और इसी सिग्मा बॉन्ड से यहाँ पे क्या बनेगा पाई बॉन्ड या एंटी जो स्टेट होता है एंटी पेरीप्लेनर स्टेट होता है वहां पे ये दिखाता है जाता है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं इस स्टैंड पे क्या होगा आपका हाइड्रोजन है तो बेस क्या होगा बेस H प्लस को क्या होगा एबस्ट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन को एब्सट्रेक्ट करेगा उसी इंस्टेंट पे क्या होगा ये आपका हाइड्रोजन निकलना होगा तो इस स्टेट में क्या होगा कि ये बॉन्ड टूट रहा होगा ये आपका जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है यह कार्बन हेलोजन बॉन्ड इस टाइम से दिखाया जाएगा कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूट रहा है आपका और नया बॉन्डिंग और क्या बन रहा है तो देखा जाएगा क्या बेस और हाइड्रोजन के बॉन्ड का बीच में बॉन्ड बन रहा है और क्या दिखाया जाएगा आपको कि जो हाइड्रोजन है और कार्बन है उसके बीच में भी बॉन्डिंग बन टूट रहा है और नया जो एक बॉन्ड है यहां एक नया बॉन्ड बन रहा है यहां पे दिखाया जाएगा आपको कि नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है पाई बॉन्ड ठीक है जो स्टेट होता है यहां पे क्या होता है पे पांच आइटम एक ही प्लेन में होता है मतलब ये जो आपका बोरोन सॉरी बोरोन जस्ट नहीं ये बोरोन मत समझ लेना आप मैं भी गलती से इसको बोरोन बोल रहा हूँ ये बेस है ये बेस ये जो आपका बेस है हाइड्रोजन है ये कार्बन है ये कार्बन है और ये आपका हेलोजन है। ये पांचों एटम एक ही प्लेन में है एक दो तो, तीन चार पांच। ये पांच एटम एक ही प्लेन में है तो इसको हम लोग बोलते हैं इस स्टेट को एंटी पेड़ी प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट मतलब जैसे जैसे बोरोन सॉरी बेस एच प्लस को एब्सट्रैक्ट कर रहा होगा उसी इंस्टेंट पे हेलोजन का भी बॉन्ड टूट रहा होगा मतलब ये पांच बॉन्ड ये बोरोन और सॉरी बेस और हाइड्रोजन के बीच में आपका क्या बन रहा है बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है यहाँ पे एक नया पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूट रहा है ठीक है ये सब एक साथ होगा और जैसे ही हेलोजन निकलेगा इधर से एच निकलेगा ये आपका जो प्रोडक्ट है ये आपका बन जाएगा कंपाउंड क्या आपका बन जाएगा अल्किन और एच एक्स क्या हुआ ठीक है तो ये जो स्टेट है आपका इसको हम लोग बोलते हैं ई टू मैकनिज्म ई टू मैकनिज्म का मीनिंग कि एच प्लस और हेलोजन एक साथ एब्स्ट्रैक्ट होगा मतलब इधर से बेस अटैक करेगा एच का निकलना हेलोजन करना एक साथ होगा इसको बोलेंगे ई टू मैकनिज्म यहाँ जो हम लोग रेट लो एक्सप्रेशन लिखेंगे वो लिखेंगे आरजिकल टू के आर एक्स के पावर लिखेंगे वन और यहाँ पे बेस का कंसंट्रेशन डिपेंड करता है तो बेस जो होगा उसका भी पावर वन होता है और इसी को हम लोग जोड़ के लिखते हैं ऑर्डर क्या वन प्लस वन ऑर्डर टू इसलिए हम इसको लिखते हैं ई टू अब अगला पॉइंट कि ई टू जो हो रहा है ये कितने स्टेप में हो रहा है तो ये बाबू जैसे आपका एस एन टू जैसे आपका एस एन टू सिंगल स्टेप में हो रहा था ये भी आपका क्या होगा आपका सिंगल स्टेप में हो रहा है सिंगल स्टेप रिएक्शन ठीक है तो ये है आपका E2 टू मैगनिज्म मतलब हेलवल केन्न जो एलिमिनेशन शो करता है आपका उसमें E2 टू शो करता है E2 टू में क्या होता है आपका एंटी पेरीपेलनर स्टेट बनता है ठीक है ये रिएक्शन आपका बाई मोलकुलर है सिंगल स्टेप रिएक्शन है और भी पॉइंट आप नोट सकते हैं कर सकते हैं यहाँ कार्बोटाइड नहीं बन रहा है तो शिफ्टिंग रियजमेंट नहीं होगा इस रिएक्शन में आपका कार्बो काटाइन डज नॉट फॉर्म कार्बोटाइन नहीं फॉर्म हो रहा है डज नॉट फॉर्म तो के लिए क्या लिखेंगे हम लोग नो री अरेंजमेंट ठीक है स्ट्रोंग बेस में इसके अलावा भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बेस है टटब्यूटॉक्साइड है एन ए एन एस टू है ठीक है आप लोग यहाँ जो स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं वो भी मैं अगले पेज में लिख दे रहा हूँ यहाँ हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा यूज करते हैं ई टू मैकेनिज्म में ई टू के लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस में क्या है अल्कोहलिक एनओ एच अल्कोहलिक वो आपका टर्ट ब्यूटोक्साइड जो आप लिखते हैं ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है एन ए एन एस टू सब आपका क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है ई टू में स्ट्रॉन्ग बेस होता है ठीक है अब आप यहाँ पे इवन तो मैके पढ़ना नहीं है लेकिन ईवन भी मैं बता दे रहा हूँ किस टाइप का ईवन सी बी ई आई में बता दे रहा हूँ क्या होता है जो हमने अभी पढ़ा है स्टार्टिंग में मैं आपको एक बता देता हूँ समरी टाइप ई टू में ऐसा हुआ है तो इट ईवन में क्या होगा देख ना मैं फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूँ बार बार क्योंकि हम लोग जब तक रिलेट नहीं करेंगे पीछे से तब तो तक सीन नहीं हुआ जैसा एस एन टू था वैसा ही ई टू है और जैसा एस एन वन था वैसा ही ई वन है आपको याद होगा एस एन टू में क्या होता है कि निक्लोफाइल का अटैक और लिविंग ग्रुप का निकलना साथ होता है ठीक है और एस एन वन में क्या होता है कि पहले कार्बोटाइन बनता है देन निक्लोफाइल अटैक करता है अभी हम लोगों ने देखा है ई टू में ई टू में क्या हुआ है तो बेस अटैक कर रहा है बेस पीछे से अटैक करेगा और एक चीज़ और है यहाँ पे जो एलिमिनेशन होता है हमेशा यहाँ पे टर्म एक और यूज करेंगे हम लोग नोट यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन यूज होता है यहाँ पे क्या होता है एंटी एलिमिनेशन एंटी इलिमिनेशन का मीनिंग क्या है कि जो हेलोजन निकल रहा होता है और जो हाइड्रोजन निकलना होता है वो दो एक दूसरे के क्या होता है एंटी में होता है इस टाइप से मैंने फोटो भी बनाया है पिक्चर भी बनाया है कि हेलोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के एंटी ग्रुप में तो एंटी एलिमिनेशन ही होगा यहाँ पर तो एंटी हाइड्रोजन के हेलोजन के जो एंटी में हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन का निकलना और हेलोजन का निकलना दोनों एक साथ होगा मतलब इस रिएक्शन में कार्बोटाइन ई में कार्बोटाइन नहीं बनेगा और जैसे ही अगर टर्म आपका वन आया वन का मीनिंग ये होता है वहाँ कार्बोटाइन बनेगा मतलब वन में क्या होगा अगर हम लोग रिएक्शन ईवन करवा रहे हैं अब ईवन ये ई टू जो है सॉल्वेंट डिपेंडेंट है ये आपका पोलर एप्रोटिक प्रोटिक फेवर करेगा और इवन फेवर करता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ठीक है तो अगर हम लोग इवन मैके देखना चाहेंगे तो इवन मैके में अगर हम लोग कोई बेस यूज कर रहे हैं बेस यूज के साथ हीट के यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस यूज नहीं करते हैं तो यहाँ जो क्या होगा यहाँ सबसे पहले स्टेप में नो डाउट यहाँ भी अल्कि बनेगा लेकिन यहाँ पहले स्टेप में क्या होगा कि आपका पहले स्टेप में यहाँ पे क्या होगा कार्बोटाइन बनेगा और कार्बोटाइन कब बनेगा जब ये आपका हेलोजन मतलब पहले स्टेप में ये आपका हेलोजन निकलेगा लिविंग ग्रुप और लिविंग ग्रुप बनने के बाद क्या बनेगा यहाँ पे कार्बोटाइन मतलब ईवन e में पहले बनेगा कार्बोटाइन कार्बोटाइन बनने के बाद सेकेंड स्टेप में क्या है ये एच यहाँ पे सिग्मा इसका पाइप बॉन्ड बना लेगा और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड और इसका एच एक्स और एच और एच एक्स ये कंपाउंड बना लेगा ठीक है तो ये आपका इवन वन है इवन में आप देख सकते हैं बेस का कोई रोल नहीं है ठीक है तो यहाँ हम लोग जो रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं उसमें सिर्फ आर एचकल टू के आर एक्स का पावर वन लिखते हैं और बेस का यहाँ पे कोई रोल नहीं है तो ऑर्डर ज़ीरो होता है ठीक है तो ये आपका E2 टू और ई वन है जिसको आप E2 को e, E2 को SN2 से रिलेट कर सकते हैं और E1 को SN1 से तो ये हम लोग का टॉपिक यहाँ ख़त्म हुआ अगला टॉपिक हम लोग का रिएक्शन विथ मेटल में है जिसमें दो मेटल के साथ इसको हमने पहले पढ़ रखा है तब भी मैं एक छोटा सा रिकॉल कर देता हूँ बस इसमें है दो मेटल के साथ पढ़ना है एक रिएक्शन विथ सोडियम है और एक आया है आपका रिएक्शन विथ मैग्नीशियम ये हम लोग पहले पढ़ रखे हैं बस स्लाइड आ गया है तो बस रिकॉल कर लेते हैं जस्ट कि हेलोअलकैन पे हम लोग अगर सोडियम डालते हैं तो आपको पता होगा इस रिएक्शन को प्रॉपर हम लोग बोलते हैं उर्ज रिएक्शन इस रिएक्शन को हम लोग प्रॉपर बोलते हैं उर्ज रिएक्शन जहाँ क्या होगा ये हेलोल्केन क्या होता है कपलिंग रिएक्शन डबल हो जाता है और ये एनएक्स बनेगा ठीक है और आर रिएक्शन विद मैग्नीशियम में क्या है कि जब हम लोग हेलोअल्केन के साथ मैगनीशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं इन इनप्रजेंस ऑफ ड्राई इथर तो आपका ये बनता है क्या आर एम जी एक्स आर एम जी एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं गिरनाड्रजेंट इसका तो हम लोग को बहुत सारा इंपॉर्टेंस है गिरनाडेंट का गिरनाडेंट ही ऐसा टॉपिक है जो हर चैप्टर में इसका आपको काम पड़ेगा ठीक है तो इसको हम लोग और आगे भी पढ़ेंगे अच्छे से ठीक है तो ये हम लोग का था रिएक्शन विथ मेटल अगला टॉपिक है हम लोग का हेलोडिन तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हेलोलिन हेलोडिन का सेकेंड पार्ट हेलोडिन ठीक है चलिए तो हेलोडिन तो आपको पता होगा जब इस एरोमेटिक रिंग पे हेलोजन लगा रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं हेलोडिन ठीक है अब हेलोडिन में हम लोग सबसे पहले पढ़ना है मेथड ऑफ़ प्रिपरेशन बहुत सारा एग्जांपल आप हेलोडिन का दे सकते हैं एग्जाम्पल है जैसे एफ लगा हो तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या अगर बेंजीन पे अगर सी एल लगा हो तो हम इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजिन बेंजीन पे अगर बी आर लगा हो तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको ब्रोमोबेंजिन बेंजीन पे अगर आयोडीन लगा हो तो क्या बोलेंगे हम लोग उसको आयोडोबेंजिन ठीक है उसके अलावा ये आप देख सकते हैं वन टू का यहाँ सेट होगा इसका यूपेक नेम कॉमन नेम सब आना चाहिए आपको वन टू को हम लोग बोलेंगे वन टू डाक्लोब इंजिन और इसका कॉमन नेम फेमस होगा ऑर्थो डाइक्लोब इंजिन ठीक है पता होगा मैं रिलेट कर देता हूँ रिकॉल कर देता हूँ वन टू के सेट को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो और वन थ्री को हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब मेटा और फिर वन फोर को हम लोग क्या बोलते हैं आपको पाड़ा ठीक है तो इसका अगर यूपीएक नेम लिखेंगे हम लोग तो लिखेंगे क्या वन टू डाय क्लोरो क्या लिखेंगे बेंजीन और कॉमन नेम क्या लिखेंगे हम लोग ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन इसके आगे जो भी है आप खुद से कर लेना नो no तो मस्ट है मोकलेचर आना चाहिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग वन थ्री डाई बेंजीन और वन थ्री के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं मेटा वैसे ही अगर क्वेश्चन होगा वन फोर के सेट पे तो लिखेंगे वन फोर डाइक्लोरो बेंजिन इसका कॉमन नेम आप लिख लेना वन फोर के लिए हम लोग लिखते हैं क्या पारा डायकलोरो बेंजिन ठीक है तो ये हम लोग को ये कॉमन नेम है सॉरी तो ये कॉमन नेम तो याद रखना ही है आपको ऑर्थो मेटा और पारा बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इसमें हम लोग उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आते हैं इसमें मेट्रो प्रिपरेशन तो इसमें हम लोग को दो ही प्रिपरेशन पढ़ना है दो पहला है हम लोग का फ्रॉम बेंजीन हेलो एडिन में प्रिपरेशन दो ही है पहला है बेंजीन ये हमने लिया बेंजीन बेंजीन पे डालते हैं हेलोजन इन प्रजेंस ऑफ एफियक्स थ्री बेंजिन आपको पता होगा बेंजीन सिर्फ सब चीशन रिएक्शन दिखाता है एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाता है मैं पहले बता देता हूँ बेंजीन किस टाइप का रिएक्शन दिखाता है तो अगर आप सोच रहे होगे कि बेंजीन अगर एडिशन रिएक्शन करें ऐसे मान लो बेंजीन में कोई मोलगोल डाल दिया मैंने एक्स वाई और आप सोच रहे हैं कि बेंजीन जो है आपको किस टाइप का रिएक्शन बेंजीन जो है आपका एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो आपको सबचुएशन रिएक्शन शो करेगा बोलिए क्या करेगा सब्चुएशन रिएक्शन कैसा दिखाता हूँ जैसे मान लो आप ये सोच रहे हो कि ये एर्मेटिक कम्पाउंड पर एक्स वाई अटैक करवा के यहाँ मैं अगर पाई बॉन्ड तोड़ के यहाँ एक्स और वाई हो जाए तो बाबू ये जहन में डाल लेना है ऐसा आपको कभी नहीं होगा बताओ ऐसा क्यों नहीं होगा क्योंकि आप देख सकते हैं अगर एरोमेटिक कंपाउंड मतलब तो बेंजीन अगर एडिशन रिएक्शन ये आप देख सकते हैं ये मैंने जिस टाइप का रिएक्शन दिखाया इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन अगर ये एडिशन रिएक्शन करिएगा तो क्या होगी तो इसकी एरमसिटी ब्रेक हो गई ये कंपाउंड में देख सकते हैं आप दो दो चार दो छः सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है आपको पता होगा एरोमेटिक कंपाउंड है तो अगर बेंजीन एडिशन रिएक्शन दिखाएगा तो इसकी एलिसिटी ब्रेक हो जाएगी और पता होगा एरोमेटिक कंपाउंड कितना ज़्यादा स्टेबल होता है तो आप उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे कि एडिशन सॉरी बेंजीन जो है आपका एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाएगा तो बेंजीन रिएक्शन किस टाइप का दिखाता है तो बेंजीन आपका दिखाएगा रिएक्शन सब रिएक्शन मान लो कोई आपको इलेक्ट्रोफाइल है निक्लोफाइल अब इसमें भी दो केस हम लोग देखेंगे कि बेंजीन कंफर्टेबली Uh, किस टाइप रिएक्शन दिखाएगा इलेक्ट्रोफिलिक तो वो भी मैं इस पर प्रकाश डाल देता हूं आपको अब पहले आप बेंजिन का खुद नेचर देखो बेंजिन खुद क्या है आप सोच सकते हो दो मिनट बेंजिन क्या है बेंजिन इलेक्ट्रोफाइल है कि निक्लोफाइल तो अगर आप ध्यान से देखो मोहलगुल को पता चलेगा यहाँ पे आपको सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है ठीक है यहाँ सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच स्पे सी तो बेंजिन खुद निक्लोफाइल होता है आप इतना कॉमन सेंस होगा बाबू जो निगेटिव चार्ज है तो कम से कम नेगेटिव को तो अप्रोच नहीं करेगा वो करेगा पॉजिटिव आप लोग भी अप्रोच करते होंगे तो डिफरेंट चार्ज को अप्रोच करते होंगे ऐसा नहीं कि आप खुद अगर मान लीजिए लड़के हैं तो लड़के को अप्रोच तो नहीं कीजिएगा कम से कम आप लोग लड़की को अप्रोच कीजिएगा या जो लड़की होगी लड़की को अप्रोच करेगी हम लोग हमेशा डिफरेंट बॉडी के तरफ अट्रैक्ट होते हैं ये तो यूनिवर्सल लॉ है साइंस का ठीक है तो ये खुद अगर निकलोफाइल है तो इतना तो उम्मीद करता हूँ ये निकलोफाइल अगर है बाबू तो ये निकलोफाइल को अप्रोच नहीं करेगा ये चाहेगा किसके पास इलेक्ट्रोफाइल है तो बेंजीन का नेचर खुद क्या है निकलोफाइल है तो ये हमेशा रिएक्शन दिखाता है इलेक्ट्रोफिलिक मतलब यूजअली जो है कम्फर्टेबली जो है ये आपको इलेक्ट्रोफिलिक सबचुएसन रिएक्शन दिखाता है लेकिन हम लोग के एन सी आर टी में नो no डाउट कुछ निकलोफिलिक सबचुएसन रिएक्शन भी है तो देखेंगे हम लोग कैसा है लेकिन जनरली ये सबचुएसन रिएक्शन में यहाँ छोड़ दिया हूँ आप यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सबचुएसन भी देख सकते हैं वो भी होता है और निक्लोफेलिक भी होता है यह मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि बेंजी नेगेटिव चार्ज है नो डाउट कंफर्टेबली निगेटिव चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा लेकिन कुछ एक, एक्सट्रीम कंडीशन है मतलब ज़बरदस्ती रिएक्शन करवाना वहाँ पे ये निक्लोफेलिक रिएक्शन भी दिखाता है तो बेंजीन में किस टाइप का रिएक्शन मान लो ये हेलोजन कोई है तो यहाँ से एच हट के यहाँ पे हेलोजन सब्चिचुएट कर गया सबचुएशन रिएक्शन दिखाता है मतलब बेंजीन जो है आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सब्चुएशन रिएक्शन दिखाएगा ठीक है तो यहाँ दिखा रहा हूँ मैं बेंजीन है यहाँ एक्स टू एफ एक्स थ्री है यहाँ सब्चुएशन रिएक्शन ही होने वाला है और यहाँ पर हट के यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका हेलोजन ठीक है, है। इसमें दो एग्जाम्पल है तो मैं एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ जैसे आपने बेंजीन पर डाला सी एल टू यहाँ पर एफ ही भी ले सकते हैं हम लोग एफ या एफ थ्री डालते हैं यहाँ जो मैं प्रॉपर रिएक्शन दिखाऊंगा इसका मैकेनिज्म दिखाता हूँ यहाँ जो रिएक्शन होगा वो आपका होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ठीक है या मैं पहले प्रोडक्ट लिख देता हूँ फिर आपको बताता हूँ ये किस टाइप का रिएक्शन दिखाएगा केमिकल प्रॉपर्टी भी नहीं पढ़ेंगे हम लोग प्रिपरेशन ही पढ़ेंगे पह पहले मैं फिर से दिखाता हूँ हमने क्या किया है ये हम लोग का बेंजीन बेंजीन पे हम लोग जब डालते हैं एक्सटू वर्जेंस ऑफ एफ ई या एफी एक्स थ्री तो यहाँ जो आपका हेलोजन है एक्स को सब्सिट्यूट करके मतलब एक्स को रिप्लेस करके यहाँ पे हेलोजन आ जाएगा और ये जो रिएक्शन है आपका सब्स्यूशन रिएक्शन है अब सब्स्यूशन में किस टाइप का है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एफ ई एक्स थ्री है या लिविससीड है जो आपका एफ ई एक्स थ्री है ये आपका लुइस एसिड है ये क्या करता है यहाँ पे इसके प्रजेंस में एक एग्जाम्पल ही ले लो पहले आप जस्ट जैसे ये आपका बेंजीन है इस पर मैंने डाला सी एल टू एफ ई या एफ ई सी एल थ्री ठीक है तो ये क्या बन जाएगा क्लोरोबेंजीन बनेगा अब इस रिएक्शन का प्रॉपर मैं मैकेनिज्म आपको दिखा देता हूँ क्या होता है इस रिएक्शन में तो पहले आप देखना यहाँ पे इतना पता होगा ये सी एल टू है यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा एफ ए सी एल थ्री आपको पता है लुइस एसिड है लुइस एसिड मतलब क्या जो खुद इनकम्प्लीट ऑक्टेट है जिसका ऑक्टेट कम्प्लीट नहीं है इलेक्ट्रॉन डेफिसियंट स्पेसिस है आयरन के पास वैकेंट ऑरवाइटल होता है आयरन इस वैकेंट ऑरवाइटल में इलेक्ट्रॉन ले लेगा सी से और ये बन जाएगा आपको सी प्लस और क्या बनेगा ये बन जाएगा एफ मैंने अभी बताया है आपको नेचर बेंजीन खुद क्या है बेंजीन खुद निगेटिव चार्ज पे है, बेंजीन खुद निकलो फाइल है तो ये किसको अप्रोच करेगा बाबू बताओ ये पॉजिटिव चार्ज है आपका ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल ठीक है तो इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन होगा अब कैसे रिएक्शन होगा अब हम लोग को देखना है इसका मैं आपको मैकेनिज्म दिखाता हूँ ठीक है यहाँ आप देख सकते हैं किस टाइप से रिएक्शन होगा तो बेंजीन आपका क्या है निक्लोफाइल है जो प्रॉपर इलेक्ट्रोफाइल है आपका इलेक्ट्रोफाइल जो सी प्लस है इसके प्रजेंस में ये जो आपका पाई बॉन्ड है पोलराइज होगा और ये जो निगेटिव चार्ज है मतलब पाई बॉन्ड जो है आपका पोलराइज होके अटैक करेगा अटैक करने के बाद देखना क्या होगा जैसे जैसे ही इस निगेटिव चार्ज के साथ सी एल यहाँ पर बॉन्ड बनाया तो उम्मीद करते इतना कॉमन सेंस होगा आपको यहाँ प्लस चार्ज जनरेट होगा अब ये आपका रेजोनेंस करेगा देख सकते हैं ये रेजोनेंस करके यहाँ आया और एक इतना कॉमन सेंस होगा होगा आपको कि बेंजीन में हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है तो एक हाइड्रोजन भी आपका होगा यहाँ पे प्लस यहाँ आ जाएगा ये सी एल ये एच ठीक है फिर क्या होगा ये आपका अटैक करेगा सॉरी अटैक ये पाई वॉन्ट करके कैसा बनेगा सी एल एच ये बना यहाँ ठीक है लास्ट स्टेप में क्या होगा आपका लास्ट स्टेप में क्या होगा ये जो सिग्मा बॉन्ड है इससे यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा और ये आपका देख सकते हैं आ गया आपका क्या क्लोरोबेंजिन क्या आ गया प्रोडक्ट बन गया तो ये रिएक्शन यहाँ पे शो होता है इस टाइप का रिएक्शन है ठीक है तो इसमें हम लोग ये बनाए हैं आप इसमें क्या कर सकते हैं आप अब एक चीज है क्या यहाँ पे जो कार्बोटाइन बनता है इसका नाम है एरिनियम आयन यहाँ जो कार्बोटायन बनता है इसको हम लोग बोलते हैं एरियम एरिनियम आयन या इसी को हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं क्या बोलते हैं सिग्मा सिव्म, कॉम्प्लेक्स ये जो प्रॉपर मैकेनिज्म है सेप्टर में बहुत बार लिखना है या जहां जहाँ एयरबेटिक कंपाउंड आएगा वहां पे हम हाँ मिलेगा या इसी को हम लोग बोलते हैं वी लैंड कॉम्प्लेक्स ठीक है या आप जस्ट सिंपल बोल सकते हैं कार्बो कार्बोगटाइन बन रहा है हैं पे ठीक है मतलब ये जो मैकेनिज्म है यहाँ प्रॉपर कार्बोटाइन बहन के मैकेजम हो रहा है मतलब क्या है बेंजी निक्लोफाइल है इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ठीक है यहाँ जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको बोलते हैं कार्बोटाइन थोड़ा स्पेशल केस है इसलिए इसको एरेनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स या विल्ड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसमें क्या हो रहा है कि इस इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में ये जो है आपका नेगेटिव चार्ज सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन पोलराइज हो रहा है ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा अटैक करने के बाद यहाँ कावोटैन बनेगा तो ये आपका रेजोनेंस करेगा रेजोनेंस करते करते जब ये प्लस चार्ज इसके नज़दीक आएगा तो एच से ये सिग्मा बॉन्ड एस सिग्मा बॉन्ड इससे ये कावोटैन इलेक्ट्रॉन छीन के बना लेगा डबल बन जाएगा क्लोरो बेंजीन ठीक है इसमें और भी आप रिएक्शन दे सकते हैं जैसे बेंजीन है बेंजीन पर अगर डाला आपने वी आर टू तो रिजेंट आपको एफ ई या लेना होगा क्या एफ वी आर थ्री तो यहाँ आपका बनेगा ब्रोबो बेंजीन तो ये आपका पहला रिएक्शन है ठीक है अब इस इलेक्ट्रोफिलिक सबुशन रियक्शन आप देख सकते हैं ये रिएक्शन जो है यहां जो मैकेनिज्म हुआ है इस का नाम है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सबचुएशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हुआ है ठीक है चलिए और सेकेंड मैं दिखाता हूं मैं आपको ये पहला था आपका हेलोरिन का दो प्रिपरेशन है बेंजीन से आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हुआ है और इसी में हम लोग दूसरा पढ़ेंगे अब सॉरी ये तो केमिकल है इसी में हम लोग दूसरा पढ़ लेते हैं डाइजोनियम सॉल्ट दूसरा है फॉर्म बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट डाइजोनियम सॉल्ट भी एरोमेटिक रिएक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं एक जनरल चार्ट बनाता हूँ उस चार्ट को आप आज याद करो या एम चैप्टर में करना याद करना होगा आपको याद करना होगा जनरल मैं चार्ट बनाता हूँ अब देखना उसको जैसे सबसे पहले हम लोग बेंजीन का करते हैं नाइट्रेशन अभी बताया बेंजीन क्या होता है आपका न्यूक्लियोफाइल होता है तो इस पर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं थोड़ा तो इस रिएक्शन से आप रू बड़ू होंगे कॉन्कनो थ्री प्लस कॉन्ग एच टू से फोर यहाँ जनरेट होता है रेडिकल आपका क्या एन ओ टू प्लस एन ओ टू प्लस इलेक्ट्रोफाइल है आप देख सकते हैं सेम जो भी कॉम्प्लेक्स बनाया है वैसे ही बनेगा आ जाता है एनओ टू बेंजीन पे इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पहला जो इस प्रोसेस है ये प्रोसेस है आपका नाइट्रेशन फिर नाइट्रेशन पे एनो टू पे हम लोग रिडक्शन करते हैं एस एन प्रोसेस इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे रिडक्शन तो बन जाएगा एनएस टू और ये रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन है कि जब एन एनिलीन पे ये आपका बन गया एनिलीन बेंजीन का नाइट्रेशन करवाया बनना नाइट्रोबेंजीन नाइट्रोबेंजिन का रेशन करवाएंगे हम लोग एन एन ओ टू प्लस एस सी एल के साथ या और करके आपका एच एन ओ टू लिखा रहेगा या आपका एन ओ सी एल लिखा रहेगा ठीक है कोई भी लिखा हो सब में रिएक्शन सेम ही होगा सब में बनेगा आपका क्या डाइजोनियम सॉल्ट अब ये जो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा इसमें एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ रिएक्शन कंडीशन है जीरो से फाइव डिग्री सेल्सियस रखना होगा यहाँ पे इस रिएक्शन की खासियत क्या है या आप इस रिएक्शन का लिमिटेशन बोलिए कि ये रिएक्शन आपको लो टेम्परेचर पर करना होगा जैसे ही अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो आपको पता होगा नाइट्रोजन गैस एंड टू वी वेस्ट लिविंग ग्रुप है तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा ठीक है तो अगर आप चाहते हैं डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल रहे मतलब तो आपको लो से लो टेम्परेचर पर रिएक्शन कराना होगा इस कंपाउंड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बी डी एस बी डी एस का मीनिंग क्या होता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट तो ये चार्ट आप अगर आप इस चैप्टर में याद कर रहे हैं तो अच्छी बात है नहीं तो आपको एमाइंड में भी याद करना होगा मतलब इस रिएक्शन से आप अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। इस रिएक्शन से आप अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। तो आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से लगभग हर एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड बनता है लेकिन फिलहाल इस चैप्टर में हम लोग को हेलोरिन पढ़ना है तो ये हम लोग का डाइजोनियम सॉल्ट डेचोनियम सॉल्ट पे हम लोग डालते हैं सी यू सी एल टू एस सी एल तो बनता है क्लोरोबेंजीन इसी पे हम लोग डालते हैं सी यू टू बी आर टू एच बी आर तो बनता है ब्रोब ठीक है इस दोनों रिएक्शन का पार्टिकुलर नाम है इसको हम लोग बोलते हैं सेंडे मेयर रिएक्शन सेंडे मेयर रिएक्शन ठीक है इसी पे अगर हम लोग सी यू एस सी एल डालते हैं या सी यू एच बी आर डालते हैं तो यहाँ बनता है हम लोग का क्लोरोबेंजीन और यहाँ बनता है हम लोग का क्या ब्रोमोबेन्जिन ठीक है इस दोनों रिएक्शन का पार्टिकुलर नाम है क्या हम लोग का गैटरमैन रिएक्शन एक गेटरमैन कोच अलग है इसलिए कन्फ्यूज मत होना गेटरमैन कोच अलग है गेटरमैन रिएक्शन अलग है इस इसको मैं फिर अगले पेज पर पे करता हूँ आपको यह है आपका डाइजोनियम सॉल्ट तो हेलोरिन में दो प्रिपरेशन है पहला था हम लोग का बेंजीन से और दूसरा है हम लोग का आपका ये था सी यू सी एल टू एस सी एल या सी यू टू बी आर टू एच बी आर के साथ आपका बनता है ब्रोबेंजिन इसमें बनता है आपका ब्रोबेंजिन इसमें आपका बनता है क्या इसको नीचे कर देता हूं इसमें आपका बनेगा क्लोरोबेंजिन इस दोनों पार्टिकुलर रिएक्शन का नाम है मेयर रिएक्शन मेयर रिएक्शन ठीक है और इसी में हम लोग डालते हैं सी यू एस सी एल तो हम लोग का बनेगा क्या क्लोरोब इसी में हम लोग डालेंगे सी यू एच बी आर तो आपका क्या बनेगा ब्रोमोब ठीक है उसके अलावा आयोडीन के लिए हम लोग डाल है, डालते हैं के आई के आई डालते हैं तो बनता है हम लोग का आइडोब ठीक है और इसी में एक और रिएक्शन है जहाँ पे हम लोग एच बी एफ फोर के साथ हिट करते हैं तो बनता है आपका फ्लोरबेंज तो इस रिएक्शन का एक खासियत क्या है कि इससे आप चारों हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड बना सकते हैं मतलब इससे प्रॉपर फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो सब बना है ठीक है तो आप देख सकते हैं तो ये था हम लोग का आज का क्लास जहां हमने पढ़ा है क्या क्या मैं एक बार फिर से रिवॉल्व करा देता हूँ जहां हमने सबसे पहले एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा है आपको एलिमिनेशन का टाइप्स मैंने बताया चार टाइप का एलिमिनेशन होता है E1, E2, E1, टू ई और EI। इसमें इस चैप्टर में हम लोग का जो रिएक्शन हेलोल पढ़ना है वो E2 टू फॉलो करता है एंटी ई टू में हम लोग को देखना है क्या हो रहा है स्ट्रॉन्ग बेस के बर्जनस में यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है तो प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट बन रहा है सैजअ प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट सॉरी जो मेन प्रोडक्ट है जिसको मेजर बोलते हैं वो सैजअ प्रोडक्ट है जो माइनर प्रोडक्ट है वो आपका हॉफ प्रोडक्ट है E2 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि E2 में जो कंपाउंड बन रहा होता है उसमें बेस H जिसमें समय एब्सट्रैक्ट करता है उसी समय पाइप वन फॉर्म हो रहा होता है लिविंग ग्रुप निकल रहा होता है मतलब एक साथ ट्रांसम स्टेट में सॉरी एस एन टू या ई में एक साथ चीज़ें हो रही होती हैं और ई और एस में क्या होता है पहले कार्बोटाइन बनता है तब तो। यहाँ पर कार्बोडाइन नहीं बनेगा मतलब बेस एक ऐसा ट्रांसन स्टेट बनेगा जहाँ पर जिस स्टेट को हम लोग बोलते हैं एंटी प्लेनर ट्रांसन स्टेट जहाँ पे बेस एच के साथ बॉन्ड बना रहा होगा एच और कार्बन का बॉन्ड टूट रहा होगा कार्बन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा होगा और हेलोजन और कार्बन का बॉन्ड टूट रहा होगा ये सब एक साथ होगा इसी स्टेट को हम लोग बोलते हैं एंटी पेरीप्लनर ट्रांसन स्टेट इसमें ई टू मैकेज है रिएक्शन है सिंगल स्टेप में रिएक्शन है ठीक है ऑर्डर रिएक्शन का टू है कार्बोटाइन नहीं बनेगा का तो नो डीरेंजमेंट होगी और इसको हम लोग एंटी एलिमिनेस एंटी इलिमिनेशन का मीनिंग क्या होता है कि हेलोजन जहाँ से निकल रहा होगा उसके एंटी में ही क्या होगा आपका हाइड्रोजन होगा तो एंटी एलिमिनेशन है ठीक है ये जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस एन ओ एच के ओ एच टर्ट ब्यूटोक्साइड या एन एस टू यूज करते हैं हम लोग ठीक है इवन आपको जब स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा तो आपका इवन फेवर करेगा इवन में क्या होता है कि पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप निकलेगा बनेगा कार्बोटाइन कार्बोटाइन बनने के बाद तो रोल नहीं होता तो बेस के आर एक्स पेने डालते हैं डबल आर बनता है, है और आर एक्स के साथ एम जी के साथ हम लोग का बनता है आर एम जी एक्स फिर ये कुछ हेलोडिन छोटे छोटे कंपाउंड है आप इसमें याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट कि वन टू को हम लोग ऑर्थो बोलते हैं वन थ्री को मेटा बोलते हैं वन फोर को हम लोग पाड़ा बोलते हैं ठीक है फिर बेंजीन से है कि बेंजीन पे हम लोग हेलोजन है हेलोजनेसन करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन है प्रिपरेशन में दो है फ्रॉम बेंजीन और फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट तो बेंजीन से हम हेलोजिनेसन करते हैं आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन दिखाएगा और दूसरा है हम लोग का फिर डाइजोनियम सॉल्ट है डाइजोनियम सॉल्ट का ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डाइजोनियम सॉल्ट से हम लोग फ्लोरो क्लोरोइड बना रहे हैं ठीक है तो यहाँ तक हम लोग किए हैं अगली क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ लास्ट लास्ट ये टॉपिक है हेलोरिन का उसका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट हम लोग अल्कोहल अल्कोल्फिन इस्ट, स्टार्ट करेंगे तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए रिविजन करते रहिए जो कोई आपका डाउट हो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मैं उसको रिकॉल करा दूँगा आपको ओके है